वेलकम फ्रेंड्स, प्रेमलतास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भुट्टे की पकौड़ी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ। भुट्टे की पकौड़ी के लिए हमें चाहिए 2 पीस कद्दूकस किए हुए भुट्टे, 1 पीस महीन कटा हुआ प्याज, 1 टेबल स्पून बेसन, 2 पीस महीन कटी हुई हरी मिर्च, महीन कटा हुआ हरा धनिया, आवश्यकता अनुसार पानी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया। अब हम कद्दूकस किए हुए भुट्टे, महीन कटा हुआ प्याज, बेसन, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, जीरा सभी लेकर मिश्रण को एक जैसा कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम पानी को मिलाएंगे और पकौड़ी के घोल जैसा तैयार कर लेंगे। अब हमारा मिश्रण रेडी है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम छोटी छोटी पकौड़ी तेल में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट लेंगे। पकौड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसे पेपर नेपकिन पर निकाल लेंगे ताकि हमारा अतिरिक्त तेल पेपर सोख लेगा। इसी प्रकार हम सारी पकौड़ी को फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारे स्वादिष्ट पकौड़े तैयार हैं। अब हम नींबू अच्छे से निचोड़ देंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ हरे धनिए की चटनी और टमाटर सॉस के साथ मजे लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी भुट्टे की पकौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।